हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे गाइस, मस्त होंगे और हम लोग भी ठीक हैं। और गाइस, ब्लॉग की शुरुआत हो रही, दिन के 12:30 हो चुके हैं यहाँ पर मॉरीशस में, और आज हमारा छुट्टी का दिन। और गाइस, जैसी बस आएगी और वैसी आपको बस, और गाइस बस आ चुकी है और अब हम इस बस में जाएंगे फिक एंड फ्लैक। तो गाइस, कास्काबेल पहुँच गया हूँ अभी और यहाँ से फिर बस पकड़ेंगे चिकन फ्लैग के लिए। और गाइस, कास्काबेल का नज़ारा और जिस बस में हम आए वो बस भी दिखाता हूँ आपको। देखिए गाइस, तो चलते हैं उस साइड की तरफ जहाँ से हमें चिकन फ्लैग के लिए बस मिलेगी। आई थिंक यही वाली बस है। तो गाइस, फिर मिलेंगे आपको चिकन फ्लैग मॉरीशस के सबसे बड़े बीच पे। तो गाइज, फाइनली पहुंच चुके हैं मॉरीशस के सबसे बड़े बीच में, लेकिन फ्लैग बहुत सारे लोग आज, और ये देखिए गाइज, बीच में आनंद लेते हुए काफ़ी सारे लोग, और कुछ सिंगिंग भी हो रही है यहाँ पे। और तो ये है मॉरीशस के सबसे बड़ा बीच। यहाँ पर आज मतलब सेकेंड टाइम आया हूँ आज इस बीच पे। अब तक दूसरी बार आज मैं यहाँ पर आया हूँ और गजब का बीच है, काफ़ी बड़ा बीच है, टॉप नंबर, एक नंबर का बीच। तो ये मॉरीशस का सबसे बड़ा बीच में आज आने का सौभाग्य मिला गाइस। दूसरी बार आया और काफ़ी सारे लोग, दिखाता हूँ इधर व्यू, और बिल्कुल ब्लू ब्लू वाटर, यही खूबी है मॉरीशस की गाइस। काफ़ी लंबा बीच है, देखिए गाइस, जहाँ वहाँ तक नज़र भी नहीं पहुँच रही है वहाँ तक लोग बैठे पड़े हैं इस बीच में। और काफ़ी सारी भीड़ है, ऐसा भी नहीं कि लोग नहीं है, काफ़ी सारे लोग हैं आज। लोग स्विमिंग कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, पूरा भरपूर मज़ा ले रहे हैं इस सबसे बड़े बीच के बीच में बैठकर। और बने रहेगा ब्लॉग में आखिर तक। आई होप आज का ब्लॉग भी इंटरेस्टिंग होगा, खूब मज़ेदार होगा आज का ब्लॉग भी। और ये देखिए गाइस, ये वाली जो शर्ट है ये मैंने फेयर मार्केट से ली थी कतरबॉन से, उसमें लिखा है मॉरीशस, और यहाँ पर कोकोनट का एक ट्री है। और जो टोपी है ये भी मैंने फेयर मार्केट से ली थी गाइस, तो इस पर भी लिखा हुआ है मॉरीशस। तो यहाँ पर मोस्टली आप कुछ भी खरीदें मॉरीशस में तो वहाँ पर प्रिंट रहता है मॉरीशस। दिखाता हूँ आपको बेहतरीन, देखिए गाइस कितना क्लीन वाटर, मज़ा आ जाएगा। ये है व्यू और ये है ब्लू वाटर, और सुपर से ऐसे बादल लगे पड़े और बारिश भी हो सकती है, क्योंकि मॉरीशस के मौसम में कोई मतलब हम कुछ कह नहीं सकते कि कब बारिश कब धूप कब क्या हो जाए। गाइस, मॉरीशस की एक खूबसूरती, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, मॉरीशस एक ऐसी कंट्री है जहां पर नो क्राइम, नो करप्शन, नो ट्रैफिक, नो पॉल्यूशन। तो ऐसी ऐसी बेहतरीन कंट्री में से एक कंट्री है मॉरीशस। तो गाइस, और दिखाते हैं आपको आज बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल नज़ारा। लेकिन सारे लोग जुड़े हैं, देखो अम्ब्रेला के नीचे सारे लोग धूप सेकने के लिए। ब्यूटीफुल, देखिए गाइस कितने सारे पेड़ हैं बीच के किनारे पे, बहुत सारे पेड़ हैं। देखिए गाइस, लेकिन फ्लैग बहुत ही बेहतरीन बीच में से एक बीच, मॉरीशस की सबसे बड़ा मॉरीशस का सबसे बड़ा बीच। और सुनाता हूँ आपको दो लाइन, बेड़ुपा को बारुमासा, बेड़ुपा को बारुमासा, ओ नरण काफल पाको चेता मेरी छैला, ओ नरण काफल पाको चेता मेरी छैला, बेड़ुपा को बारुमासा। बहुत ही बेहतरीन बीच है लेकिन फ्लैग। और गाइस, जब भी आपको मौका मिले मॉरीशस आने का तो इस बीच पर आप जरूर आइएगा, जरूर आइएगा फ्लिक एंड फ्लैग। और इसके थोड़े नज़दीक पर कम से कम 20 मिनट का रास्ता वहाँ पड़ता है तमारिन बीच। तो मैं तमारिन बीच पर रहता हूँ, आज छुट्टी का दिन था गाइस, और घूमते घूमते पहुँच गए हैं मॉरीशस के सबसे बड़े बीच में फ्लिक एंड फ्लैग। तो आपको मॉरीशस में इतने बीच हैं, चारों तरफ से
बीच ही बीच है मॉरिशस के अंदर, और बड़ी बेहतरीन कंट्री में से एक कंट्री है मॉरिशस गाइज। तो ये बीच था इसका नंबर वन, और नंबर वन सबसे बड़ा बीच। तो जहाँ पर अभी कुछ टाइम के बाद क्रिसमस और न्यू ईयर, तो ये बीच खचाखच भरा रहेगा उस दौरान। स्पेशली यहाँ पे इतना बिजी रहता है, दिसंबर के महीने में गाइज, इतना बिजी रहता है मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। और इतना टूरिस्ट रहता है यहाँ पर, इतना हर कंट्री के लोग यहाँ पर आते हैं, इवन इंडिया से, अपने उत्तराखंड से भी काफ़ी लोग आए थे पिछले साल, और मैं काफ़ी लोगों से मिला यहाँ मॉरिशस में गाइज। और ये बीच तो बहुत बेहतरीन बीच है गाइज। तो जब भी आपको मौका मिले, फ्लैक इन फ्लैक नंबर वन बीच है मॉरिशस का, सबसे बड़ा बीच है गाइज, तो यहाँ पर जरूर आइएगा आप। और वहाँ पर सामने इंटरटेनमेंट हो रहा है, सिंगिंग हो रही है वहाँ पर, खूब लोग जश्न कर रहे हैं, दिखा है कुछ पेड़ों के बीचों में। और ये देखिए गाइज, खूब सुंदर धूप फिर छा गई है, और इससे पहले थोड़ी देर पहले बादल से मंडरा रहा था कि ऐसा लग रहा था कि बारिश आएगी, चारों तरफ से बादल और पूरा क्लाउडी हो गया था वेदर, और फिर से एक बार सूर्य भगवान फिर दिखाई दिए हैं। तो मॉरिशस में कब बारिश, कब धूप, कब गर्मी, कब ठंड, कब क्या हो जाए, कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ आपको, बट मॉरिशस इज मॉरिशस गाइस। बहुत सारे बीच हैं यहाँ पर, लेमन बीच है, तमारिन बीच है, फ्लैक एंड फ्लैक बीच है जहाँ पर मैं आया हूँ आज, और ग्रैंड वे है, और अपना गिरिगिरी बीच है, काफ़ी सारे बीचों से ये भरा हुआ है मॉरिशस गाइस। तो आज छुट्टी का दिन था, इसलिए आप लोगों के बीच में यहाँ पर YouTube फैमिली के बीच में फिर से एक ब्लॉग बनाने का मौका मिला गाइज आज। और लाइक ज़रूर करना आप, शेयर भी करना ब्लॉग को, और आगे थोड़ा फैलाना गाइज, और लोग कुछ देख लें ब्लॉग को मॉरिशस YouTube के माध्यम से, कुछ लोगों को और नज़ारा देखने को मिलेगा मॉरिशस का। तो ये फ्लैक एंड फ्लैक बीच आज दूसरी बार आने का मौका मिला, बहुत ही बेहतरीन बीच गाइज, जितनी तारीफ उतनी कम, ऐसा नज़ारा ऐसा। और जैसे कि मैंने बताया था आपको, ट्रैफिक, करप्शन, और यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं मॉरिशस के, सब लोग हिंदी बोलते हैं, बहुत प्यारी प्यारी हिंदी बोलते हैं, और एक इंडिया वाली फीलिंग आती है यहाँ पर गाइज। यहाँ पर मोस्टली लोग हिंदी में बात करते हैं, मॉरिशस के लोग, स्पेशली मॉरिशस के लोग प्रॉपर हिंदी में बात करते हैं गाइज। यहाँ बोलचाल का बहुत ही अच्छा पो है, कोई सुनी है तो अच्छा लगता है, घर जैसा लगता है, ऐसा लगता है कि हम उत्तराखंड में हैं, अपने देश में, भारत में हैं। तो मॉरिशस इज मिनी इंडिया गाइज, और इतना प्यार मिल रहा है आप लोगों के द्वारा, इतना सपोर्ट मिल रहा है अपने यूट्यूब चैनल में गाइज। तो देर किस बात की है, शेयर करना आगे गाइज, और फिर अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा आपको और कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ जो मॉरिशस में एकदम पॉपुलर चीज़ें हैं गाइज। और आज का मकसद था फ्लैक एंड फ्लैक बीच, एक ऐसा बीच मॉरिशस का जो सबसे नंबर टॉपलिस्ट लोग बैठे हुए हैं, और बिल्कुल समुद्र किनारे से गुजरती हुई बोटिंग, ये देखिए गाइज, लुत्फ़ उठा रहे हैं लोग, यही खूबसूरती है मॉरिशस की। और ब्लू वाटर पूरा देखिएगा, जहाँ तक आपकी नज़र पहुँच रही वहाँ देखिएगा, झूम करके दिखाता हूँ आपको, देखिए गाइस, ये देखा काफ़ी ब्लू वाटर है गाइस। और ये शिप आ चुकी है, ये अपनी बोट, ये स्पीड बोट है गाइस, इसमें 10-15 लोग बैठ सकते हैं एक बार में। और यहाँ पर लोग काफ़ी स्विमिंग भी कर रहे हैं गाइस, इस साइड में काफ़ी सारे लोग छतरी के नीचे बैठे हैं, बढ़िया धूप और हवा का लुत्फ़ उठा रहे हैं। बिल्कुल एक साइड से काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही है, और एक साइड से काफ़ी सुंदर धूप छाई हुई है। तो गाइज टोटली मौसम इज ऑलवेज लवली इन द मॉरिशस गाइज। गाइज अब टाइम हो गया है, 2 बजने वाले हैं दिन के, और अब जाने का टाइम हो चुका है घर पे, और बस भी मिली जाएगी 15-20 मिनट वेट करने के बाद, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू बस तो हैं बट 15-15 मिनट का गैप रहता है। और कोई एक बार फिर दिखा देता हूँ व्यू यहाँ का, ये देखिए गाइज मौसम है आज फिर, अभी मौसम धूप आ गई है, और कितने सारे लोग बैठे हैं बीच में दिखाता हूँ आपको, काफ़ी सारे मॉरिशियन लोग, काफ़ी सारे इंडियन लोग, काफ़ी सारे लोग फॉरेनर लोग भी बैठे हुए हैं। तो धूप का लुत्फ़ उठाते हुए फिर से धूप आ चुकी है, और मैं चलता हूँ घर की ओर, क्योंकि 2 बज गए हैं, और घर पर जाके फिर लंच करेंगे। तो ये था सबसे बड़ा बीच एक बार फिर से, फ्लैक एंड फ्लैक। पसंद आएगा गाइज, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।